हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जयपुर ट्रेडर्स क्लब में। दोस्तों टाइम हो रहा है 9:24 हो चुके हैं। दोस्तों आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, हमें यह गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है 550 पॉइंट के आसपास लगभग। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट डाउन होते जा रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ कुछ सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए हुए हैं दोस्तों निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी बैंक में मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, ओके, जो कि है 600 के लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ मैं अपनी फर्स्ट एंट्री ट्रिगर कर दूंगा। अगर मान लो हम एंट्री ट्रिगर करते हैं 600 के लेवल के आसपास, तो ये हम लोगों की एंट्री लेवल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो हम यहाँ कुछ लॉट, एक या दो लॉट में एंट्री लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सिंपल सेटअप है दोस्तों, मैंने यहाँ से मैक्सिमम प्रीवियस सपोर्ट के हिसाब से अपनी ट्रेड को यहाँ एग्जीक्यूट कराऊंगा। जैसे ही मार्केट यहाँ से 600 के लेवल के आसपास आता है, हम लोगों की एंट्री हम यहाँ एग्जीक्यूट करा देंगे। वीडियो बने रहे, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों यहाँ हम लोगों ने बैंक निफ्टी 36600 का कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है 50 क्वांटिटी में, और बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो ऑप्शन फ्यूचर है उसको 25 क्वांटिटी में बाई किया हुआ है 640 पर। क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है, हम वो डिसाइड कर लेते हैं। टारगेट हम रखेंगे 640 पर, हम लोगों की एंट्री हुई है ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। टारगेट दोस्तों, टारगेट सिंपल, मैं यहाँ का टारगेट रखूंगा जो कि बैठ रहा है 766 से पहले पहले, यानी कि यहाँ का हम टारगेट रख देते हैं 600 746 का। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों हम लोगों का, तो टारगेट लगा देते हैं क्विकली, एग्जिट लिमिट 746। ओके, 45 पे हम निकल जाएंगे। ये हम लोगों का टारगेट हो चुका है। तो दोस्तों मैं अभी ऑप्शन वाले जो ट्रेड है इसको एग्जिट कर रहा हूँ। ओके, इसको भी हम इसी के साथ साथ में काट देंगे, जैसे ही हम लोगों का यहाँ टारगेट अचीव होगा तो हम दोनों को यहाँ काट देंगे। ठीक है, अभी करंटली हम लोगों को 2800 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, आया हुआ है 710। ठीक है, 710 701 टारगेट है हम लोगों का 46 का 22। जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आएगा तो हम इसको भी फ्यूचर वाली जो हमारी ऑप्शन की ट्रेड है इसको दोनों को हम यहाँ एग्जिट कर देंगे। 24 23 33 35 36, और दोस्तों इसने यहाँ 36 का हाई लगाया है, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट से हम लोगों का टारगेट रिमेनिंग है। ये हम लोगों का फ्यूचर का टारगेट अचीव हो चुका है। तो दोस्तों सिंपल, हम लोगों ने यहाँ दोनों यहाँ बुक कर दिया है और हम लोगों ने फाइनल प्रॉफिट बुक किया है 4465 रुपये का। ये देखिए, यहाँ हम लोगों का टारगेट हिट हो चुका है, और इसके बाद में मार्केट हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन फेस करे, जैसा कि लोगों को दिख रहा है यहाँ से रिजेक्शन फेस करते हुए मार्केट। ओके, तो सिंपल लॉजिक था दोस्तों मैंने। तो ट्रेडर्स, यहाँ हम लोगों का टारगेट हिट हो चुका है फ्यूचर का, जो हम लोगों ने टारगेट प्लान किया था। यहाँ का टारगेट था हम लोगों का 36746 का। ये देखिए, इस वाली कैंडल पे हमारा टारगेट हिट हुआ है, और इसका हाई देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ हम लोगों का हाई देखेगा 36746.45। तो मतलब हम लोगों का जो टारगेट था वहां से 0.45 ही मार्केट ऊपर गया। तो दोस्तों एंट्री से बेटर होता है, एंट्री तो आप स्मार्ट एंट्री लो, वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, साथ के साथ में हम लोगों के स्टॉप लॉस भी एकदम वेल होने चाहिए, अच्छे पूरी तरह से प्लान किए होने चाहिए। तो दोस्तों अब जैसे मान लो मैं यहाँ का टारगेट प्लान किया था, वो क्यों किया था, ये वाली जो कैंडल है इसका हाई कितना था विक का, 743 का। तो दोस्तों मैंने इस वाली कैंडल के हाई का ही अपना टारगेट लगाया, क्यों, क्योंकि मान लो जनरल लोगों ने अगर यहाँ कहीं हाँ कहीं किसी ने शॉर्ट किया होगा मार्केट का डाउनफॉल देखते देखते, तो उन सबका यहाँ स्टॉप लॉस होगा, उन जनरल लोगों ने यहाँ कहीं का ही स्टॉप लॉस लगाया होगा। अगर मान लो मेरे अंदर थोड़ा लालच होता, मैं यहाँ कहीं का टारगेट लगाता, तो अभी भी हम ट्रेड में फंसे होते और अभी मार्केट हमारे आसपास आया हुआ है करंटली। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों की एंट्री थी, यहाँ से 640 पे हम लोगों ने एंट्री ली थी, टारगेट था यहाँ से 37646 का, जो हम लोगों का हिट हो चुका है। दोस्तों साथ के साथ में यहाँ हम लोगों ने एक ऑप्शंस की ट्रेड ली हुई थी, 36600 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया हुआ था 50 पॉइंट में। तो जैसे ही हम लोगों का फ्यूचर का टारगेट हिट हुआ, मैंने यहाँ इसको भी एग्जिट कर दिया, इसको एग्जिट किया है मैंने यहाँ 442 पर, और हम लोगों की एंट्री थी, पहले मैंने 25 क्वांटिटी 412 पे ली थी, फिर 425 क्वांटिटी 400 पे ली थी। ठीक है, तो सेम टाइम पे जैसे हमारे फ्यूचर एग्जीक्यूट हुआ था, सेम टाइम पे ये एग्जिट कराया था, इसकी एवरेज प्राइस हो गई थी हम लोगों की 406। तो यहां से ऑलमोस्ट हम लोगों ने 36.8 ग्रैब किया 50 टीटी में। सिंपल दोस्तों, तो मैंने इसके साथ ही हम लोगों की यहाँ एंट्री को भी एग्जिट कर दिया ऑप्शन की को। तो दोस्तों लॉजिक क्या था, लॉजिक बहुत ही सिंपल लॉजिक था, जैसा कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट की अच्छी खासी ग्राउंड ओपनिंग देखने को मिली हुई है हमें, और इस गैप डाउन के साथ साथ में मार्केट कहां तक नीचे फॉल हो सकता है आज के दिन मार्केट फिर से। तो दोस्तों मैंने यहाँ आप लोगों को मॉर्निंग वीडियो के स्टार्टिंग में एक तो ये पहला सपोर्ट तो ये बताया था कि मार्केट अगर इस सपोर्ट को सस्टेन करता है 15 मिनट की कैंडल पर, ठीक है, तो मैं अगर सस्टेन करता है यहाँ से
सॉरी, अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट लेवल पर आकर के सपोर्ट लेता है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो मैं यहाँ अपनी एंट्री ले लूंगा, यानी कि 36600 के आसपास। तो मेरी फर्स्ट एंट्री अगर आप देखोगे यहाँ, तो ये 25 पॉइंट जो थी मेरी, 36600 के लेवल के आसपास ही मेरी एंट्री थी, ठीक है। लेकिन मार्केट इससे थोड़ा नीचे आया, सस्टेन नहीं हुआ 15 मिनट की कैंडल पर, और आवरली चार्ट पर थोड़ा और नीचे आया, तो इस वाली कैंडल ने 15 मिनट और 5 मिनट की कैंडल पर ये जो सपोर्ट लेवल था 36500 का, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे कैंडल पर, तो ये देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो सेकंड सपोर्ट लेवल पर मैंने यहाँ अपनी फ्यूचर की एंट्री और साथ के साथ में ऑप्शन की एंट्री दोनों एग्जीक्यूट करा दी। फ्यूचर की एंट्री थी मेरी यहाँ 640 पर, आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट में दिख जाएगा। ये देखिए 36640 पर हम लोगों की एंट्री थी 10:00 पर, 0 मिनट पर, 4 सेकंड पर, और हम लोगों का टारगेट हिट हुआ है यहाँ फ्यूचर का 10:03 पर, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने विद इन 4 मिनट में अपना टारगेट यहाँ अचीव कर लिया। से यहाँ जो हम लोगों का टारगेट था 745, सॉरी 745 हम लोगों का टारगेट था, मैं आप लोगों को गलत बता रहा था, 46, ओके 45 हम लोगों का टारगेट था, यानी 105 पॉइंट हम लोगों ने फ्यूचर में ग्रैब किए। तो सिंपल लॉजिक था दोस्तों, क्या सिंपल लॉजिक था कि सिर्फ और सिर्फ मैंने इस सपोर्ट लेवल को देखा बड़े टाइम पर कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। सेकंड सपोर्ट मैं जैसे प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से ले सकता है, कि मार्केट इस लेवल पर, यानी कि 36400 के लेवल के आसपास से अगेन मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट इस जोन में आता है, मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, यानी कि ये जो 350 के लेवल के आसपास आता है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो मैं यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपनी एक पोजीशन ले लूंगा, पोजीशन ट्रेड जो कि मैं 1 या 2 दिन के लिए होल्ड करूंगा और उसको एक अच्छे प्रॉफिट के साथ में एग्जिट करूंगा। तो इंट्राडे का हम लोगों का यहाँ आज का कंप्लीट हो चुका है। सिंपल लॉजिक था मेरा, प्लेन्स मैंने यहाँ कोई ब्रेकआउट पर काम नहीं किया, ना कोई फिबोनाची पे वर्क किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ सपोर्ट लेवल पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कराया जो कि यहाँ मार्केट का मेजर सपोर्ट लेवल था। और तो हम लोगों ने फाइनल प्रॉफिट बुक किया है 4465, जो कि इंट्राडे के हिसाब से हम लोगों के लिए सफिशियंट है। और अगर आप हम देखते हैं तो ये देखिए मार्केट स्मार्ट, हम लोगों का जो टारगेट था उसके बाद में ये देखिए मार्केट हमारी एंट्री से अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट कितना पॉइंट नीचे चल रहा है, 78-80 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा है। अगर हमें स्टॉप लॉस लगाते तो स्टॉप लॉस भी हम लोग कहीं का ही प्लान करते, तो ये देखिए मार्केट इजिली हम लोगों का यहाँ से स्टॉप लॉस लेके जाता, तो परफेक्ट हम लोगों का यहाँ टारगेट था, टारगेट भी सिंपल लगाया था। ये देखिए यहाँ हम लोगों का अब यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल दोस्तों, कभी कभी हम लोगों को स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के अलावा हम लोगों को मेजर सपोर्ट लेवल को भी देखना होता है, और उस हिसाब से हम लोगों को एंट्री लेनी चाहिए और स्मार्ट वर्क करना चाहिए। साथ के साथ मैंने फ्यूचर के साथ साथ में ये देखिए मैंने यहाँ ऑप्शन को भी लिया था, यहाँ हम लोगों ने 1840 रुपये का प्रॉफिट इसमें बुक किया है और 2625 रुपये इसमें बुक किया है, ठीक है। 400 रुपये इसमें ब्रोकरेज भी कट जाएगा, तो हम लोगों के पास आज के दिन के 4000 रुपये हमारे प्रॉफिट रहेगा। हेलो ट्रेडर्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरी फाइनल पोजीशन। दोस्तों उस ट्रेड के बाद में मैंने एक और ट्रेड ली थी फ्यूचर में, और एक परफेक्ट लेवल पर अपनी ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट कराया था, जो कि उसके बाद में मेरी फाइनल पोजीशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फाइनल पोजीशन है हम लोगों की यहाँ 6965 रुपीज, ओके दोस्तों। तो सिंपल लॉजिक था दोस्तों, बहुत ही प्यारा सेटअप पर मैंने वर्क किया था, वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर देता हूँ। तो दोस्तों आते हैं जैसे इंडेसिस के चार्ट पर। तो दोस्तों इंडेसिस के चार्ट पर अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं, तो सिंपल मार्केट ने यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगा करके देखते हैं, ये देखिए बॉटम टू टॉप का, तो एग्जैक्ट 50% के लेवल से मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, ये 50% के लेवल से। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ प्लान करके रखा हुआ था कि मैंने ये लेवल लगा के रखा था, मार्केट जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है और अगेन अप मूव दिखाने की कोशिश करेगा, तो मैं यहाँ से अपनी ट्रेड को यहाँ एग्जीक्यूट करा दूंगा फ्यूचर की एक लॉट के साथ में। तो सेम वही सिनेरियो पे मैंने वर्क किया, मार्केट इस लेवल के आसपास आया। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर 5 मिनट के हिसाब से यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद में मैंने यहाँ से मार्केट, यहाँ जो विक बनी थी इस विक के हिसाब से मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। बार बार 2 विक, बड़ी बड़ी विक बनी थी और यहाँ से आपको देखने को मिला था। तो मैंने जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनते नजर आई, तो मैंने यहाँ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करा दिया 36290 पर। तो 290 पर मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था, टारगेट लगाया था एग्जैक्ट 100 पॉइंट का, यानी कि यहाँ पर मैंने 390 का टारगेट लगाया था और हम लोगों ने इजीली अपना टारगेट यहाँ से ग्रैब कर लिया और 2500 रुपीज और हम लोगों ने यहाँ अपने प्रॉफिट में ग्रैब कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल लॉजिक था, मैंने यहाँ ये अपॉर्चुनिटी जो थी इसको मैंने यहाँ मिस नहीं किया। टारगेट मैंने ये क्यों लगाया था, टारगेट सिंपल था दोस्तों। मैं हिसाब से अगर टॉप टू बॉटम का फिबोनाची लगा करके देखता हूँ आज की रैली का, जैसे मार्केट ने आज टॉप टू बॉटम की जो रैली की है, तो मैंने यहाँ एग्जैक्ट लगाया था कि मार्केट 23.6% का ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस लेवल से, तो मैंने इसी लेवल का अपना टारगेट लगाया था और उससे पहले पहले मैं यहाँ से निकल गया। अगर हम यहाँ से लगा करके देखते हैं, अगर इसको तो ये देखिए इसमें भी लगा करके देखते हैं, तो सेम उसी लेवल के आसपास यहाँ हम लोगों का सपोर्ट बैठा है फिबो का। तो यहाँ से परफेक्ट टारगेट लगाया और हम लोगों ने फाइनल प्रॉफिट बुक है 6965 रुपीज के आसपास को। ये देखिए जो हम लोगों का टारगेट था उससे पहले पहले ही ये जो सपोर्ट लेवल था, तो ये देखिए दोस्तों जो फिबो का लेवल का जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे पहले पहले हम लोगों ने यहाँ टारगेट लगाया और हम मार्केट से निकल गए प्रॉफिट लेकर के, और हम लोगों की फाइनल पोजीशन है 69.65 रुपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।